उत्तर प्रदेश की राजधानी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं एक पिता और उसकी बेटी। दबंगों द्वारा प्रताड़ित होने पर प्रार्थी आवास स्थानांतरण की समस्या को लेकर पिछले कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाला है। पीड़ित बाबूलाल का कहना है कि बाराबंकी जिले के अधिकारी उनकी बात को नहीं सुन रहे। कई दिनों तक बाराबंकी तहसील में भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंगों के कारण अपना घर परिवार छोड़कर धरना स्थल पर बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री उनकी बात को सुने, शायद बाराबंकी के जिला अधिकारी उनके आवास को स्थानांतरित कर दबंगों से दूर दे दे, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़ित बड़े हताश हैं। योगी सरकार पर बड़ा विश्वास था कि शायद इस पिता की फरियाद मुख्यमंत्री सुनेंगे, लेकिन नहीं सुन पाए। क्या मांगे हैं भाई जिसको लेकर बैठे हो? पहले अपना परिचय दो कि कहां से हो, किस जिले से हो, क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूलाल है सर। हम रहता हूं काशीराम कॉलोनी, थाना कोतवाली नगर, तहसील नवाबगंज। क्या समस्या? हमारी समस्या ये सजूर है कि हमारी समस्या ये, मेरे पड़ोसियों दबंग लोग हैं। एक जीना के सोच पर ही लोग कपड़ा छांट के छोड़े हैं। हम लोग दो मंजिला पे रहते हैं और चारों लोग रहते हैं, और ऊपर एक जीना के सोच पर ये लोग दीवार है उस पर कपड़ा छांट छोड़े, तो कुछ नहीं, जो हम छांट छोड़ दी तो उसमें जा सूचक गालियां देते हैं। वो साहब संतोष है कहार, और अनिल है सुनार, और साहब एक है राजू तेली। ये साहब बगलों में, मेरे पड़ोसी बगल में रहते हैं साहब। जगह साहब काशीराम कॉलोनी आवास विकास में, बाराबंकी, और तहसील नवाबगंज है सर। थाना कोतवाली नगर है सर। थाना कोतवाली नगर, हाँ थाना कोतवाली, बाराबंकी। हाँ साहब, उस मारते पीटते उसको कोतवाली नगर में कोई सूचना दिया जाता है, उस पर साहब रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती है, जिसके जो न्यायालय द्वारा से जब दर्ज कराया जाता है आदेश के पालन पर, उसमें रिफाइयार दर्ज कर लेते हैं, और विवेचना द्वारा ने पैसा लेकर मुलजमानों से मिलकर फाइनल लगा देते हैं। जिसलिए मुझे परेशान किया जाता है, मेरी पुत्री को परेशान किया जाता है, गलत संबंध भी काम हो जाता है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए मैं मजबूर हो करके अपनी आवाज में छोड़ने को तैयार हैं साहब। वहाँ से आवाज मेरी टेम्पर करा के कमरिया बाग में आस्थानी किया जाए, और साहब जिसलिए मेरी पुत्री को इज्जत बचे, मेरी जान बचे। तो मतलब इन लोगों से बड़ा डर है आपको, दबंगों से बड़ा डर है, जान माल का खतरा है? जी साहब, दबंगों से हमारा जान मान खतरा बना हुआ है। कभी दिन मेरे जान मान हो जाए, कभी दिन मेरे पुत्री साथ घटना हो सकती है। इसलिए मजबूर होकर के मेरी आवाज आवाज विकास से टेम्पर कर। बाराबंकी के एसपी नहीं सुनते हैं आप लोगों की? जी, बाराबंकी के एसपी नहीं सुनते हैं, न कोतवाल साहब सुनते हैं, इसलिए वो लोगों के हौसला बुलंद है, हौसला बुलंद है। इसलिए साहब मजबूर होकर के मैं अपनी आवाज के लिए बैठा हूँ कि यहाँ से हटा कर हमारी आवाज कमरिया बाग में स्थानीय कर दिया जाए। जिला अधिकारी से मुलाकात नहीं की है इस समस्या को लेकर? जी साहब, जिलाधिकारी को मैंने तहसील दिवस में 3 प्रार्थना पद दिया गया, डीएम को जिलाधिकारी को दिया गया, दस्ती दिया गया, आलैन से भी किया गया साहब, वो कोई असलो 26/10 से मैंने धरना प्रदर्शन चलो, पहले वहाँ गन्ना संस्थानों में बैठे थे, और 29/11 को यहाँ एको गार्डन से आए हैं, एको गार्डन पर बैठे हुए हैं अभी तक यहाँ तक हमको कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और योगी जी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे साहब गरीब मनाई हों, मेरी पुत्री बिगा की माँ है, जिसकी इज्जत भी लूटी गई है, उसको भी के नया न्याय मिला। इज्जत लूटने वाले कौन लोग थे? इज्जत लूटने वाले संतोष, अनिल, राजू, छोटे लाल, ये सर हैं, और सर इसके बुजुर्ग को न्याय नहीं मिला है। तो इन लोगों पर दुष्कर्म का मुकदमा नहीं लिखा गया? जी साहब, ये मुकदमा नहीं लिखा गया, मैं अदालत के आधारों पर मुकदमा तो कर लिया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई सर। गिरफ्तारी की मांग है? गिरफ्तारी की मांग साहब करता हूँ, लेकिन उसमें पुलिस ने सोलो फाइनल लगा दिया है। पुलिस ने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट ने फाइनल लगा दिया विवेचना जारी से, और सर आप अपनी मांग अदालत से मांग करिए। तो पुलिस की मिली भगत से बाराबंकी के नवाबगंज से ये पीड़ित आए हैं। 2 महीने हो गए हैं, 1 महीना बाराबंकी जिले में ही धरना दिया कि शायद वहाँ के अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर ना किसी तरह की कार्रवाई हुई, ना दोषियों पर लगाम लगाई गई।
बाराबंकी पुलिस शायद अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद है, जिस कारण से पीड़ित पिता और उसकी बेटी, जिसके बारे में वो बता रहे हैं कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया इन दबंगों ने, लेकिन दुष्कर्म का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, अपराधियों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। देखने की बात है कि योगी सरकार में और लखनऊ में कई एक महीना बीत गया है धरने को, लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ प्रशासन भी इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।